देखनी थे बिल्कुल साइकिल पे अपना सेटअप लगा कर रखा है। उनका खाना उतने अच्छे अंकल के डायलॉग भी है। 50 के दो अगर हम राजमा भी मिल जाए ये देखिए है ना बेहतरीन। और ऊपर से प्याज और ये देखिए ये भी कुल्लर में देंगे आप। सारा मिट्टी के बर्तन में होता। तो ये देख लीजिए गाइस हम आज पहुंच चुके हैं महेश्वरी जी के छोले भटूरे खाने के लिए। आपको इनका सेटअप मैं दिखा देती हूँ। सबसे पहले ये देख लीजिए करते हैं अंकल से बात करते हैं। सबसे पहले ना उनको पूछते हैं उनके सेटअप के बारे में। तो ये देख लीजिए बिल्कुल साइकिल पे अपना सेटअप लगा के रखा है अंकल जी। तो कितने सालों से आप यहाँ पर हो? पहले तो केनरा बैंक पे लगाते थे। अच्छा तो यहाँ पर कब से हो? यहाँ से हो गए यहाँ वैसे लगाते तो 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। 20 सालों से आप बेच रहे छोले भटूरे? 20 वैसे तो हमारे बाबूजी लगाते थे। अच्छा, से। अच्छा तो आपने साइकिल पे लगाने का कैसे सोचा? ये शुरू से ऐसे ही लगा साइकिल पे। साइकिल पे शुरू से लगाते थे? बाबूजी शुरू से साइकिल लगाते थे। अच्छा तो सबसे पहले आप थोड़ा थोड़ा बता दो कि साइकिल पे क्या क्या चीज है। सबसे पहले रायता है। ये रायता है? अच्छा गर्मियों में तो रायता बहुत जरूरी होता है। 12 महीने बिकता है, जाड़े में ज्यादा बिकता है। अच्छा क्या बात है, ऐसी ठंडा रायता मिलेगा। बूंदी का रायता है? बूंदी का दही का रायता है। थोड़ा बता दो के चला के ले लो। ये दही का रायता है? अच्छा दही का रायता है, छाछ वाला रायता नहीं। अच्छा बताया पिलाएंगे आपको। अच्छा अच्छा तो अंकल जी इस पिटारे में क्या छुपा के रखा आपने? छोले भटूरे। अच्छा भटूरे? हाँ भटूरे पतले पेपर भटूरे होते हैं हमारे। अच्छा पेपर ये अलग होते हैं बाकी भटूरों से? थोड़ा बता देना आप कैसे भटूरे बताना। कल तक लोग खा सकते हैं आराम से गर्म करके ले जाके। अच्छा दूसरे दिन तक भी खा सकते हो आप इसे? बहुत पतले से लग रहे हैं। पतले होते हैं तवे पे कुछ करते हो? नहीं तवे पे गर्म करते हैं, फ्राई तो वहाँ करते हैं। अच्छा फ्राई पूरा फूला हुआ होता है? अच्छा पूरा फूला हुआ होता है। अच्छा कितने भटूरे बना लेते हो आप? इसका मिनिमम कोई आइडिया नहीं होता है। 100-150 प्लेट 200 प्लेट। अच्छा अच्छा थोड़ा आगे बढ़ते हैं और क्या है आपके पास में? ये क्या चावल है? दो ये राजमा है? क्या लगाना? हाँ राजमा है। क्या बात है, ये भी डेली मिल जाएगा ना राजमा? रोज होता है राजमा? नहीं शनिवार को कड़ी होती है और वैसे रोज राजमा। अच्छा सैटरडे को स्पेशल कड़ी बनाई जाती है। कड़ी तो आपकी कड़ी भी लोग खाना पसंद करते हैं? फोन फोन ये लो। वाह 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 गर्मा गर्म राजमा भी मिल जाएंगे चावल के साथ में? चावल के साथ ठंडा कुछ नहीं है सब टोटल गर्मी में जाना मिलेगा। और अंकल इस अकोरे में आप क्यों दे रहे हो मिट्टी के बर्तन में? अलग होना चाहिए ना, कुछ दुनिया पत्थर में दुनिया बेचती है, कुछ करना चाहिए ना अलग। आयो कुछ अलग होना चाहिए ना। सही बात है अलग होगा इसमें स्वाद थोड़ा बदल जाता है क्या? ये तो ग्राहक ही बता सकते हैं, मैं क्या बताऊँ। ग्राहक बताएंगे। आप पहली बार आए हो? चलो आपको भी खिलाते हैं। ले लो ले लो। वाह 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 पनीर भी डालते छोलों में? क्या बात है ये देख लीजिए। और इसमें क्या क्या डालते, कौन से मसाले? प्याज लहसुन वगैरह? टमाटर भी नहीं? क्या टमाटर भी नहीं होते? अरे तो कैसे बनाते हो फिर इसे? ऐसे बनाते हैं मसाले से, सिर्फ मसालों से ही बनाते हैं केवल? इसमें तेल मसाला नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं है? नहीं, नहीं, नहीं। और एक बार आप इसकी डेप्थ चेक कर लीजिए। गर्मा गर्म तवे पर ये भटूरे ये सीख के देते हैं आपको, मतलब सब कुछ गर्मा गर्म आपको यहाँ पे मिलने वाला है। बासमती चावल है? प्योर बासमती भी असली वाला माल, नकली नहीं। असली माल यूज करते हैं अंकल? ग्राहक नकली नहीं तो माल का नकली हुआ? ये माल पर ग्राहक नकली नहीं तो माल के नकली हुआ? अंकल बोले ग्राहक नकली नहीं है तो माल के नकली रहे? माल के नकली हुआ अंकल। जो भी है छोटा सा सेटअप है, थोड़ी सी चीज है, लेकिन अंकल अपने दिल से प्यार से खिला रहे हैं। हाँ। और अंकल ने प्यार का जादू कर रखा है यहाँ पे लोगों पर। पूरा पूरा लोग कितनी दूर दूर से भी आते हैं, हमने देखा है यहाँ पर, और कितने सारे लोग यहाँ पे खाते हैं। हाँ, और ये क्या अंकल यहाँ पर? ये अचार होता है। ये किस चीज का आम का है? ये टॉप्स का अचार है। मिक्स अचार? मिक्स अचार टॉप्स का। अच्छा टॉप्स का जो होता है टॉप्स के लगाते हैं। सबसे यूनिक चीज है ये कि ये कुल्लड़ में जो है अपने छोले भटूरे सर्व करते हैं आपको। यहाँ पर छोले राइस राजमा चावल सारा कुछ मिल जाएगा। आप यहाँ पर भीड़ चेक कर लीजिए। यहाँ पे सिर्फ 2 से 3 घंटे के लिए अंकल यहाँ पर आते हैं और जो है सारे लोग यहाँ पर आके इनका ये छोले इनके छोले भटूरे एंजॉय करते हैं। पार्सल भी यहाँ पर कई लोग लेके जाते हैं, आप देख सकते हो। मतलब ये इनका मानना है कि मतलब सबसे हेल्दी वाले छोले भटूरे खिलाते हैं ये। ना तो ये इसमें शायद से प्याज यूज करते हैं, ना इसमें लहसुन यूज करते हैं, और ना कोई ऑयल यूज करते हैं। मट्टी के इसमें आपको दे रहे हैं, ये बहुत ही यूनिक है। आपको कम जगहों पर मिलेगा या फिर ना के बराबर आपको मिलेगा ये दिल्ली में।
तो भैया कब से खा रहे हो आप यहाँ पर छोले भटूरे? दो ढाई साल हो गए खाते हैं यहाँ पर। तो आपको कैसे लगते हैं यहाँ के छोले भटूरे? अच्छे लगते हैं, शाम के टाइम मिलते हैं, सुबह खाने का मन नहीं करता, सुबह मिलते ही। अच्छा, आपको अच्छे लगते हैं? जितने मर्जी छोले इतना मर्जी लोग रायता, इतना अच्छा होता है इनका, पुदीने का बूंदी वाला ठंडा चिल्ड। अच्छा, स्वाद बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल पैसे कवर हो जाते हैं खाने, पैसे पैसे वो हो जाते हैं, वसूल हो जाते हैं। क्या क्या खाते हैं आप? छोले भटूरे, छोले छोले भटूरे भी, इन पे छोले चावल भी, राजा चावल में छोले भटूरे खाता हूं, इनके बिना छोले भटूरे बिना वेली के, बिना कुछ के। ये देख लीजिए इनके रायते की डोलची है, ये देखिए कितनी बड़ी है ये, इसमें कम से कम 25-30 लीटर रायता आ जाता होगा इनका। और ये देखिए ये भी कुल्लड़ में देंगे आपको, सारा मिट्टी के बर्तन में होता है सारा कुछ, और बूंदी वाला रायता एकदम। ये देख लीजिए पनीर भी दिखेगा आपको इसके अंदर, छोलों के अंदर इनके, वाह क्या बात है। ये आ गई इनकी स्पेशल चटनी और ऊपर से प्याज, और इनका अचार मिर्ची का। ये देख लीजिए आपको मिट्टी के बर्तन में ये छोले सर्व करेंगे यहाँ पर। और आप अगर आप छोले चावल खाते हो, आपको राजमा चावल खाने हैं, तो भी आपको इसी में मिलेंगे। पहले ये राजमा का पेस्ट लगाते हैं, उसके ऊपर फिर ये राइस डालते हैं अपने, गर्मा गर्म राइस, और फिर वापस से गर्मा गर्म राजमा। ये देख लीजिए गाढ़े गाढ़े राजमा इनके एकदम, मतलब देख के अगर आपके मुंह में पानी ना आ रहा हो तो हमें बताना। आगे इसकी चटनी, ये पुदीने की चटनी है, धनिया की प्योर, लाजवाब खुशबू, आहा हा, ये देख लीजिए है ना बेहतरीन। क्या लीजिए सर, लीजिए, ज्यादा भीड़ रहती है? 3:30 से 4:30 के बीच। अच्छा, तो अच्छा हम लोग थोड़ा लेट ही आए। ये हमारे है ना? हाँ फिलहाल तो आपकी, ये देख लीजिए। अंकल थोड़े प्राइस भी बता दो क्या है आपके? ₹50 की, भी ले जाइए। हमने फाइनली लड़ झगड़ कर यहाँ पर हमारा ऑर्डर ले लिया, इतनी भीड़ है, खचाखच लोगों की दीवानगी है। देख लीजिए हमारा टेबल सज चुका है, हमने इनके राजमा चावल भी ले लिए है, साथ में हमने इनके स्पेशल छोले भटूरे जिसके लिए हम यहाँ पे आए वो भी ले लिया है, और ये इनके छोले चावल, और हम लोग ने ये तीनों चीजें इसके लिए लिए, इन्होंने ना मिट्टी के बर्तन में भी सर्व किया है, और देखते हैं उसमें तो टेस्ट और बढ़ ही जाएगा। तो चलिए खाते हैं दिल्ली के सबसे फेमस जो मतलब आइटम होता है छोले भटूरे, वो ट्राई करते हैं। और हम आए स्पेशल जगह पर महेश्वरी जी के पास, ये देख लीजिए भटूरे एकदम पेपर जैसे हैं और बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, देख लीजिए। और ये अंकल बता रहे हैं कि आप कल तक भी खा सकते हो इनके ये जो छोले भटूरे, वाह। और ये ना बिना ऑयल के बने हैं, ना कोई इसमें प्याज लहसुन कुछ भी नहीं है, टमाटर तक नहीं है इसमें, ये देख लीजिए। और ये बता रहे हैं कि अचार जो यूज़ करते हैं वो टॉप्स का होता है, और रखते हैं थोड़ा सा प्याज, और परफेक्ट सी बाइट बनाते हैं, और गर्मा गर्म एकदम ये इसको ट्राई करता है। भाई वाह, इतना मतलब इतने दूर आए हम खाने के लिए तो वर्थ हो गया एकदम, मतलब के पैसे वसूल है। अगर आप कितनी भी दूर से ये खाने आओगे तो आपका पैसा वसूल हो जाएगा। कितने गाढ़े हैं ये चेक करिए, देखिए। और इसके अंदर ना बिल्कुल आपको प्याज लहसुन कुछ नहीं है, तो आप बिल्कुल आराम से खा सकते हो, वेजिटेरियन भी हो अगर प्याज लहसुन नहीं खाने आपको, वो तो भी आप इसको एंजॉय कर सकते हो। और इसमें बिल्कुल इन्होंने खड़े मसाले का यूज़ किया है, और कोई एक्स्ट्रा मसाले इसमें नहीं डाले हुए, तो अमेजिंग काम कर रहे हैं, मतलब वन ऑफ द बेस्ट है दिल्ली में, तो भाई मज़ा आ जाएगा। और मेन बात है इनका भटूरा बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, आप एक या दो तीन कितने भी खा सकते हो, अगर आप भूखे हो तो आप 3-4 भी आराम से खा जाओगे इसको, माइंड ब्लोइंग। इनके छोले भटूरे तो पास हो गए, 10/10 दे दिया मैंने तो उसे। अब चलिए इनके ये जो राजमा चावल है ना, ये ट्राई करके देखते हैं। सबसे अच्छी बात लग रही है कि ये सारे का कुछ ना मिट्टी के बर्तन में सर्व कर रहे हैं, अमेजिंग है यार ये तो। और सारे रेट्स रीजनेबल है, ₹50 ओनली। चलिए इनके राजमा चावल खाते हैं ये वाले। इसका भी सेम वैसा ही है, कुछ एक्स्ट्रा मसाले नहीं है, ना इसमें भी प्याज है ना लहसुन है, इनके जो खड़े मसाले उसका ही जादू है। अगर आपको हल्का फुल्का लंच करना है, लेकिन अंकल आते हैं 3:30 बजे, तो भी आप खा सकते हो, इतने हैवी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको भटूरे नहीं खाने तो आप इनके राजमा चावल या छोले चावल भी ट्राई कर सकते हो, ये भी मज़ेदार है। थोड़े से हम छोले चावल इनके ट्राई करके देखते हैं, चटनी वाले लेते हैं थोड़े से। ये देख लीजिए ये है इनके छोले चावल, ये भी ट्राई करके देखते हैं, वाह। मुझे तो चावल बहुत पसंद है, इसके लिए मैं छोले चावल को मतलब ज़्यादा प्रेफर करूँगा खाना, आपके ऊपर है, लेकिन छोले भटूरे तो मस्ट ट्राई यहाँ पे आकर यार, मज़ा आ जाएगा। और ये जो इनके राइस है ये भी बासमती यूज़ कर रहे हैं, क्वालिटी है सारी चीज़ों की,
और जो अचार बताया उन्होंने वो बाहर का यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने खुद के अपने मुँह से बता दिया। तो मेरे तरफ से तो 10/10 है सारी चीज़ों को, बहुत मज़ा आ गया यार। तो चलिए इनका ये ठंडा ठंडा रायता पीते हैं, कुल्लड़ वाला, ये देख लीजिए बूंदी वाला रायता इनका ये। तो मट्टी के इसमें दिया है कुल्लड़ में, नहीं रोक सकते आप अपने आप को। देखिए क्या टेबल बढ़िया तरीके से सज चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है छोले भटूरे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोले चावल हमने लिए हैं, यहाँ पर राजमा चावल है ठंडी ठंडी कुल्लड़ वाले, और इनके भटूरे भी काफी अलग होते हैं और भटूरों से। तो चलिए टेस्ट करके देखते हैं, मुझसे तो बिल्कुल रुका नहीं जा रहा, ये देख लीजिए। वाह 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 वाह। और जैसे आपको पहले ही बता दिया अंकल ने भी और सूरज ने भी कि इसमें कुछ भी यूज नहीं करते, ना प्याज ना लहसुन ना टमाटर, बस इनका ये प्यार है और इनके खड़े मसाले हैं। और साथ में आपको यहाँ पर अचार भी दे रहे हैं। वाह वाह, थोड़ा सा अचार लगा लेते हैं, ट्राई करते हैं। तो इतना तो मुझे जरूर कहना है कि इनके जो छोले हैं वो औरों से काफी अलग है। इसका रीजन एक ही, क्योंकि इसमें इन्होंने कोई प्याज लहसुन या टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ मसाले हैं और बहुत ही बेसिक है छोले, बहुत लेकिन बहुत स्वादिष्ट है, बहुत फ्लेवरफुल है। भटूरों के साथ इसका क्या कॉम्बिनेशन है, मतलब अगर आप यहाँ पर आओगे एक छोले भटूरे की प्लेट से आपका मतलब पेट तो शायद भर जाएगा लेकिन दिल नहीं भर पाएगा आपका। तो चलिए नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं इनके छोले चावल। देखिए छोले चावल तो बहुत लोगों की जान होती है, मतलब बहुत लोगों को पसंद होते हैं, मुझे भी बहुत ज़्यादा ही पसंद है। चलिए इधर ट्राई करके देखते हैं। जब चावल के साथ छोले मिक्स हो जाते हैं और जब ये बाइट बनती है और इसे जब हम मुंह में लेते हैं, वाह व्हाट अ कॉम्बिनेशन, मजेदार। हम सबके फेवरेट राजमा चावल यहाँ पर, ये भी मिट्टी के बर्तन में सर्व करते हैं इसे। आई थिंक इसके वजह से थोड़ा स्वाद इससे बढ़ भी जाता होगा शायद। देखने में तो कितना मजा आ रहा था जब वो अंकल दिखा रहे थे हमें उनके राजमा, मुंह में इतना पानी आ रहा था, अभी हम ट्राई कर रहे इसे। राजमा चावल और साथ में ये पुदीने की चटनी और प्याज, बस मतलब हेवन है, बहुत मजेदार, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। अगर आप कहीं पर भी कुछ भी खाते हो तो साथ में कुछ ना कुछ ठंडा तो आपको लगता ही है। अंगल ने अपनी साइकिल मतलब अपनी छोटी सी स्टॉल पर ये वाला जुगाड़ भी आपके लिए करके रखा है कि आपके लिए यहाँ पर ठंडा ठंडा बूंदी का रायता आपको मिल जाएगा, वो भी कुल्लड़ में। इसको तो डिफाइन ही नहीं कर सकते भाई, ये तो ठंडक है, मतलब आपके कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी, इसे पीका दिन बन जाएगा। हमने तो खा लिए ये साइकिल वाले छोले भटूरे महेश्वरी अंकल जी के, हमें तो बहुत मजा आ गया। मैंने तो सबको 10/10 दिया, मतलब बिल्कुल भी इसमें स्पाइसेस नहीं थे, जो मतलब ऊपर से जो डाली जाती है लाल मिर्च वगैरह होते, गर्म मसाले होते, बाहर का कुछ नहीं, अंकल के खुद के कूटे हुए मसाले उनसे बनाया गया। और लेकिन जो मजा आया खाने में और जो इनका रायता था, माइंड ब्लोइंग, मतलब इतना मजा हमको कहीं भी नहीं आया अब तक जितने भी हमने छोले भटूरे खाए। मतलब टेस्टी होते हैं, हर जगह सब कुछ होता है, लेकिन उसमें कैसे आपको हेल्दी नहीं होते, वो ऑयल मतलब बहुत सारा ऑयल होता है उनमें, लेकिन इनमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं था। तो बहुत मजा आ गया हमको तो यहाँ पर आकर। हम तो ये रेकमेंड करेंगे अगर दिल्ली में हो तो एक बार अंकल महेश्वरी जी के छोले भटूरे खाने जरूर यहाँ पर पहुंच जाइए, मोस्ट रेकमेंडेड जगह है यहाँ पर और मजा आ जाएगा यहाँ पर आके आपको। तो अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को करें लाइक, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।